नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पवन है और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का लेसन एक गिटार स्ट्रमिंग प्रैक्टिस लेसन है, जिसमें हम एक पॉपुलर पैटर्न को लेंगे। मैं पहले आपको दिखाऊंगा ये पैटर्न किन किन गानों में यूज़ किया गया है। मैं अपने ही कुछ लेसन्स के क्लिप्स आपको दूंगा और लेसन्स के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे, और उसके बाद हम जो इस पैटर्न को है साथ में बजाने की कोशिश करेंगे। मैं धीरे धीरे बजाऊंगा ताकि आप मेरे साथ बजा सकें और प्रैक्टिस कर सकें, और जाने से पहले मैं आपको थोड़े बहुत टिप्स जरूर दे के जाऊंगा जिससे आप अपनी स्ट्रमिंग इम्प्रूव कर सकें। मैंने इस सीरीज में और भी कुछ लेसन्स पोस्ट किए हैं, उनके लिंक्स भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप उन्हें देखें तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत फायदा होगा। तो आइए देखें ये पैटर्न किन किन गानों में यूज किया गया है। दरिया से सागर, सागर से गहरा जाम, सागर से गहरा जाम। तो अभी जो आपने पैटर्न देखा, आइए हम उसे साथ में प्रैक्टिस करें। मैं धीरे धीरे बजाऊंगा ताकि आप मेरे साथ बजा सकें, और बजाते वक्त आपको स्क्रीन पे सारे स्ट्रोक्स भी जरूर दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करके अच्छा लगा। जाने के पहले हमेशा की तरह मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, आप अपने टाइमिंग पे ध्यान दें। हमेशा जो है कोशिश करें कि आप ओरिजिनल गाने के ट्रैक के साथ बजाएं, या किसी मेट्रोनोम या बीट वाले ऐप के साथ बजाएं। दूसरी बात, आपके हाथ हमेशा डाउन अप चलते रहने चाहिए, चाहे किसी भी टाइमिंग में बजाएं, किसी भी पैटर्न में बजाएं, आपके हाथ जो है घड़ी के पेंडुलम की तरह कंटिन्यूसली डाउन अप चलने चाहिए। तीसरी बात, स्ट्रोक लगाने से पहले हमेशा अपने गिटार के सारे स्ट्रिंग्स के साउंड को एक एक करके सुन के देखें। स्ट्रोक बजाते वक्त हर स्ट्रिंग की आवाज़ सही आनी चाहिए,
और उनकी लाउडनेस भी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, इससे आपके स्ट्रमिंग के साउंड की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो। चौथी बात, बजाते वक्त हमेशा अपने गिटार की ट्यूनिंग को चेक करें। ट्यूनिंग अगर सही नहीं होगी तो आपको बजाने में मजा नहीं आएगा, आप फील के साथ नहीं बजा पाएंगे, और ट्यूनिंग अगर आपकी सही हो तो आपके ईयर ट्रेनिंग में भी उससे फायदा होता है। पांचवा टिप, जो कि मैंने पहले के लेसन में नहीं दिया है, आवाज देता हूँ, आप स्केल्स जरूर प्रैक्टिस करें। आप सोच रहे होंगे कि भाई रिदम गिटार यानी कि स्ट्रमिंग करते वक्त जो है स्केल्स जानने की क्या जरूरत है, तो अगर आप स्केल्स प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले आपके गिटार के फ्रेटबोर्ड की नॉलेज बढ़ेगी, उससे आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको कॉर्ड ढूंढने में आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि आपके जो फिंगर्स, अगर आप राइट हैंड से बजाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के फिंगर जो है वो स्ट्रांग भी होते जाएंगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, यानी कि आप मूवमेंट जो है बड़ी आसानी से कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप स्केल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लीड गिटार में तो बजाने में फायदा होगा ही होगा। मैंने स्केल्स पर कुछ लेसन पोस्ट किए हैं, एक मेजर स्केल्स पे है और एक माइनर स्केल्स पे है। बॉलीवुड के गानों में तरह तरह के स्केल्स यूज किए जाते हैं, आप उन लेसन को जरूर देखें, आपको फायदा होगा। तो आज के लिए यही रुकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको लेसन पसंद आया। हमेशा की तरह अपने कॉमेंट्स और फीडबैक मुझे भेजें, मैं जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो अगले लेसन तक फिर मिलते हैं, शुक्रिया।